नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बहुरी बांध ग्राम पंचायत से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां के रहवासी समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा किए गए 15 लाख रुपए खाते में भेजने का वादा पूरा हो रहा है या भ्रष्टाचारी जनधन खातों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल चौंकाने वाली खबर यह है कि जिन लोगों ने सड़क निर्माण में कोई काम ही नहीं किया, घरों में रह रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई घर गृहस्थी के काम में व्यस्त है या वृद्ध है, उनके खातों में पैसा भेजा जा रहा है और 10% कमीशन देकर बाकी पैसा अंगूठा लगवा कर निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कुछ वीडियो बनाकर हमारे चैनल को उपलब्ध कराया, जिनकी सत्यता जांचने के लिए हमने पंचायत के सेक्रेटरी योगेंद्र शुक्ला से बात की तो उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। हालांकि उक्त कार्य REES के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका ठेका विधायक के चहेते दिलीप शर्मा को मिला है, जिसका भूमि पूजन भी सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी ने किया था। दिलीप शर्मा वही हैं जिनके परिवार के ही युवक ने इटाहा में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके पहले भी विराट 24 ने सड़क की दुर्दशा जनता को दिखाई थी। लोगों ने भरोसा कर पुनः उक्त कारनामे का वीडियो हमें उपलब्ध कराया। विराट 24 उक्त वीडियो कब के हैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन पंचायत के सेक्रेटरी योगेंद्र शुक्ला ने बताया कि मनरेगा से बनने वाली सड़क का निर्माण मशीनों के द्वारा घटिया किया जा रहा है। उक्त मामले में जब जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े से हमने बात की तो उन्होंने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि दरअसल यह सड़क का निर्माण खमरिया से मढ़ा तक किया जा रहा है, जिसके निर्माण की लागत 35 लाख रुपए से अधिक की है, जिसमें मजदूरों से काम ना कराकर मशीनों से कराया जा रहा है। उक्त पैसा निकालने के लिए अमन शुक्ला अम्बुज नाम के युवक के द्वारा जनधन योजना के तहत खोले गए खातों का उपयोग किया जा रहा है। उक्त खाता धारकों के खाते में पैसा भेजकर अंगूठा लगवाया जाता है और 10% कमीशन देकर पैसे निकाल लिए जाते हैं, जिसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। पैसा किसको मिल रहा है, अमन उर्फ अम्बुज शुक्ला कौन है, इसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है। स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी पर निशाना साधा और कहा कि उनके आदमियों के द्वारा विरोध करने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। हमारे कार्यालय पहुंचे युवकों ने अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार प्रशासन से लगाई है। अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार झूठे मामलों में फंसाने के आरोप झेल रहे विधायक पर आरोपों का सिलसिला जारी है। कई पीड़ितों ने जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन भी दिए हैं। हद तो यह है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और वृद्धों के खातों में पैसा भेजकर आखिर किसके द्वारा निकाला जा रहा है, यह भ्रष्टाचार का कौन सा कारनामा है जिसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की साजिश की जा रही है। इतना ही नहीं, गरीबी रेखा से नाम काट दिया गया है और झूठे मामलों में फंसाया गया। आइए आपको सुनाते हैं उनकी पीड़ा, इसके बाद आपको सुनाएंगे उन खाताधारकों को जिन्होंने सच्चाई उजागर की है, उसके बाद सुनाएंगे पंचायत सेक्रेटरी योगेंद्र शुक्ला और जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े को कि उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। और हमने मढ़ा के लिए 2-4-10 लाख रुपए नहीं, 35,01,000 रुपए बहुरी बांध से मढ़ा तक शानदार बढ़िया रोड डामर बस छोड़ के और बाकी शानदार रोड बनाने का काम। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कहा का कहा है भैया, मैं क्या ऐसी तैसी कहे हैं, ये पीली माटी के बजाय काली माटी डाले हैं, तो ट्रैक्टर जब अर्झा है तो मनाई के का हालत हुई, ये मैं के तो ठेकेदार है, ये मैं के सांसद विधायक है। कब से ट्रैक्टर अर्झा है? लगभग 1 घंटा होगा, बेचारे मर रहे हैं। अब हम बूढ़ आदमी एका कैसा के धक्का दे के निकाल जी। अभी कुछ दिन पहले बोलेरो फंसी थी, फंसी थी बोलेरो का, तो ट्रैक्टर निकाल दी रहा है, अब एका को निकाल रहे ट्रैक्टर का जेसीबी। एंटे हमारे पवाईदार लोग है तो मजाक कर रहे थे। आप तो हो ना निकारी पानी डारे में नहीं हुआ, फुलाई ले माटी काली माटी यह मैं के सलगे हारी, कहां से मने पैदल निकला मुश्किल ही रहा। हाँ तो बताओ लड़के, कब से फंसे हो? 1 घंटा से। कहाँ कहाँ फंसा ये? 8-10 जगह फंस चुका है आगे से। हाँ अरे तो यहाँ तो इतनी दिक्कत है कि आदमी नहीं निकल सकते है, ट्रैक्टर पैदल। अरे आदमी के बात कर रहे, जब ट्रैक्टर नहीं निकल सका तो आदमी कहाँ से निकल? 5 बार फंसा है 2-1 घंटा 1.5 घंटा से। उनको ले जाना जरूरी।
वहाँ देखा ना तो मजदूरी के तो मजदूरी किया है तुम एक दिन सड़क में नहीं किया है कितना पैसा आवा आवा तो कहीं 5500 आवा तो 650 दिन तो है 650 कमीशन देनी निकलवाई अंगूठा लगा के निकलवाई नहीं आओ गा कहीं नहीं क्या ब्याह हुआ ही हां यह काम को अंबू करवाई नहीं खाता कभी खुलवाई नहीं खाता नंबर तो तुम पैसा दी नहीं मानो कमीशन ना दी नहीं पैसा निकलवाई दो लोग जब काम करे नहीं गए तो पैसा तुम्हारे अकाउंट में काहे मंगवा लिए पूछे नहीं बोला तो कहेंगे देख के बिना कामन के पैसा है बिना कामन के पैसा है सेठ के पैसा घरे बैठे देव हम वो में सिस्टम उनका रहे हाँ तू कहाँ क्या है बहुरी बांध कौन टोला क्या है बदरिया टोला हाँ कहाँ टे घर है बता दे किनारे में तो ये बतावा कि रोड में काम किए है तू नहीं पैसा आवा था हाथ खाता में हाँ निकलवाई सी को हाँ को निकलवाई सी अम्बू कितना 500 दिन नहीं बाबा 500 कितना निकलवाई पैसा 700 तो है देनी निकलवाई कितना रहा नहीं जानी तो कौन खत्म कितना पैसा बने जानते है आवा 500 5597 आवा था 7000 आवा रहा है हमारे में आवा है हम झूठ तो असल नाती से बतावे तो काय तो ये काम करी के आवा है हम नहीं जानता काहे के आवा यौवा बताई हम काम करत जाई नहीं हमारे जी आई ये अंबू निकलवाई नहीं हां अंबू निकाल औठा लगा के निकलवा दी हैं अपना के कौन है दी हैं वही दी सी 800 800 पैसा निकलवाई भर हां काम एको दिन करवाई से नहीं हम नहीं जाने कहिस की देख हम घर के लड़का है तू से चोरी रखा नहीं कहे का मतलब है ये बताई ये गरीबन के पैसा है ना ये जे रोड में काम कर रहे हैं बताइए हम या नहीं देखिए ये जो सड़क बन रही है ना या अपन वाली या बची मन रहेगा नहीं कि मजदूर काम कही के आखिर जो तो सड़क बनावा फिर पैसा लें ये क्या करते हैं सब कह पैसा निकलवा लेते हैं काम करवा थे मजदूरन से नहीं जेसीबी से तो एको दिन अपना देखे ना कि मजदूर काम करें नहीं देखे ना अब जेसीबी में चली कि नहीं चली चली तो बस ऐसे आओ अपना काम नहीं करवाई ओखे काम नहीं करवाई ओखे काम नहीं करवाई ऐसे बहुत जन काम नहीं करवाई अब अपना काम यह बताई को काल को पूछी कि ये पैसा शासन के कहाँ से आवा अपना का जवाब देव का की है ने? हम कुछ हो ना देव हम कह जब कि अंबू जाऊ भेजी सोई तब अंबू नहीं भेजी सा ये शासन के पैसा आवा है या कह जब कि जाऊ पैसा आवा हो अंबू आई चली नहीं से अंबू ली नहीं तब अंबू का ना बताओ शिवम को थोड़ा बताओ कि अरे वो सरकार की पैसा आवा रहा है शिवम का बताओ हम अंबू का ना बताओ अंबू का बताओ हम अपन लड़का थोड़ा से इसका फसा या काम करे के पैसा आया आवा रहा है एक दिन अपने रोड में काम किए का डाड़े नहीं जाए तो ना जाबाई करा हमारे माँ बाए चाहे ना आबाई रोड में काम एक दिन नहीं किए ना फेरो पैसा आवा ठीक है आवा है अंबू निकाल ली हाँ कितना कितना आवा अपना कैमा हमारे कैमा ही 7000 अन्ना उत्साह हाँ 7000 ना सौ अपना कैमा आवा 7-9 हजार दादा भाई का मावा है दादा भाई का मावा 5000 5000 और 500 लाला का मावा है आ साधु का मा ही 7000 और 900 आवा है और तुलसीदास का मावा है ओ का मावा है बताई रोड में काम किए नहीं है पैसा जो है ऐसे आ रहा है ये मजा कर रहे हैं मलाई खा रहे हैं ठेकेदार मलाई खा रहा है खाता नंबर दे हम कहे का करिए तो कहीं तुम्हारे खाता में हम पैसा मतलब 1500 माही 500 देव हम कहे कि 100 रुपया देव 1500 में 100 रुपया देव
1,100 रुपया कमीशन दे, पैसा निकलवाई बस। अब अत्ते दे भाई दी सी यानी कि हाँ दी सी। हम झूठ ना बताब, देखा माँ लड़का आया है, हम तो से झूठ ना बताब। अजंता है कि इतने दिन हो गया, कबा हूँ अम्मा झूठ ना बताब। अरे नहीं अम्मा, हाँ तो हम वो बता दे तो से तय जान अगवा जान। ओए कौन हो बात दास का है, मैं आबा है हमारे मैं आबा। अपना अपना के घर में कई जन का मावा है? तीन जने का है मां, तीन जने का मावा है हमारे अल्लाह दादा भाई का लाला का है मां। हमारे घर में तीन जने का मावा। चलिए ठीक है ना, तो उनके सब जो का मावा है। चलिए ठीक है, करते हैं सर धमकी दिलवाते हैं और ये बोला जाता है कि तुम्हें कोई लंबे केस में अंदर करवा देंगे। अब बोलते हैं अमन शुक्ला कि हम तुम्हें लंबे केस में अंदर करवा देंगे। अभी तुम जानते नहीं हो कि मेरी पहुंच कहां तक है। तो मेरा ये है कि जो भी मेरे ऊपर कुछ आता भी करवा भी दिए थे, FIR करवाए थे, डकैती लागू करवाए थे, वही उन्हीं लोग सब साजिश करके उसके बाद ही मेरा नाम काटा गया गरीबी रेखा से। मैं श्रीमान जी ये चाहता हूँ कि अगर कुछ भी मेरे को होता है तो इसके जवाबदार ही वही लोग हैं, अंबू शुक्ला, KP त्रिपाठी और विधायक जी। मुझे परेशान न किया जाए और जो भी मेरा हक का मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी हक की लड़ाई, मेरा गला, मेरी पर्ची काटा जाए, जोड़ा जाए। मैं ये निवेदन करूँगा जो भी बड़े अधिकारी हैं तो हमारे साथ न्याय दिलाया जाए। सर नमस्ते, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, Virat 24 न्यूज। हाँ रामानंद जी, हाँ सर, थोड़ा सा ये था जानना था सर, ये अपने बहुरी बांध है ग्राम पंचायत जी। हेलो जी, बताए। बहुरी बांध ग्राम पंचायत सर, यहाँ एक सड़क बन रही है, RES बना रहा है खम्हरिया से लेके मढ़ा तक। तो सर वहाँ के लोगों के खाते में पैसा जा रहा है जो काम नहीं कर रहे हैं, किसी खाते में 6,000, किसी खाते में 7,000, काम भी नहीं किया है कभी। फिर एक व्यक्ति है अमन शुक्ला, उसी को शायद अंबुज शुक्ला कहते, वो जाता है अंगूठा लगवा के उनसे निकाल लेता है, पैसा लेता है दस्तखत करा के और 500-600 उनको दे देता है। सर जानना चाहते कैसी योजना से और कैसे खाते में पैसा आ रहा है, कैसे निकल रहा है? मुझे तो ये पता नहीं है, आप मुझे क्या करो ये व्हाट्सएप कर दो डिटेल जी, मैं चेक करके बता देता हूँ आपको कि ऐसा क्यों हुआ है। और वहाँ के लोग कहना कि मशीन काम कर रही JCB, लेकिन गांव के लोग जिनके खाते हैं उनके खाता खुलवाया गया है, जो पुराना जनधन योजना खाता। आप मुझे डिटेल भेज दो, मैं चेक करा था, अब मैं बता नहीं सकता ना बिल्कुल, मुझे ग्राम भी नहीं पता कौन सा है कौन सा नहीं जी जी। RES ही भेजता हूँ मैं, RES। हाँ ये बहुरी बांध का है सर, बहुरी बांध रीवा जनपद में है। हाँ मुझे पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर दो जी। जरूर सर, दिखवा के कुछ जनता जानना चाहिए, काहे पैसा रहा, कुछ जाँच और कार्यवाही हो जाए तो कम से कम लोगों को समझ में आ जाएगी। 100% हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो भैया, इसके ठेकेदार कौन है जो सड़क बन रही है? ये RES बनाती, RES बना रही, दिलीप शर्मा है क्या? अब ये नहीं जानते, अब एजेंसी RES। अच्छा, असल में क्या है कि कुछ खाते में पैसा जा रहा लोगों के वहाँ, वो तो कहते कि उनका खाता है ना, काम किया ना कुछ किया, इसके बाद ही खाते में पैसा आ रहा है। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि कैसे जा रहा होगा, फिर निकलवा रहा कोई अमन शुक्ला करके है, अंबुज शुक्ला, इसकी RES है निर्माण एजेंसी। तो कौन देख रहा है आपके यहाँ, इंजीनियर कोई है जानकारी? नहीं, वो सब RES देखती है, हम लोगों से पंचायत से नहीं रहता उसका मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, वो RES देखती। तो RES वालों का नंबर नहीं मिल जाएगा भैया किसी से? नहीं नहीं, हम लोगों से नहीं मिलेगा, वो वहीं संपर्क करना पड़ेगा, हम लोगों को उनसे कोई मतलब रहता नहीं काम काज का। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ का सब अलग स्टाफ है। तो कोई अभी इस समय वर्तमान में पंचायत से कोई ऐसा तो नहीं खाते जो पैसा जा रहा है लोगों के, कोई ऐसी योजना तो अभी नहीं आई है ना कि जिसका भुगतान उगतान खाते में काम करने वालों के जा रहा हो? काम करने वाले का काम जब करते हैं तो जाएगा। नहीं, वो बोल रहे हैं हमने काम कोई नहीं किया, उससे सिर्फ 10% काटा जा रहा है, 700 रुपए, 800, 1,000 रुपए, 5,600 किसी में 7,000 खाते में आ रहा है, बाकी पैसा वापस ले जाता है कोई लड़का ये। तो अमन शुक्ला कोई है क्या आपके यहाँ पंचायत में? अब ये भी जानते नहीं हम, अमन नाम कौन सा है, अब कई हो सकते हैं 2-4 लोगों के नाम, अब ऐसे व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ। अमन अंबुज कोई नहीं है ये? कौन है मतलब, होंगे अब ये नहीं कह सकते हम कि नहीं है, मतलब अपने पंचायत विभाग से कोई जुड़े नहीं है ना इनका, कोई काम नहीं, पैसा नहीं, लगवाए नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कौन तो ये मनरेगा का काम नहीं हो रहा है जो सड़क बन रही है खम्हरिया से मढ़ा? हाँ वो सब वही काम है, मनरेगा का काम है ना ये? हाँ हाँ चलिए ठीक है। पांडे जी, वो मनरेगा का काम है, वो कोई जो कर रहे हैं तो इसी तरह करते होंगे, क्योंकि पूरा लेबर भुगतान है उसमें मजदूरी का। हाँ हाँ, तो क्या करेगा, काम तो मशीन से करते हैं लोग जी।
हकीकत में जहाँ बात है। हाँ, बाकी ये लोग कैसे क्या है, आरियस एजेंसी शायद बड़ी भी रोड है, 2-3 किलोमीटर की रोड है। हाँ, खमरिया से माढ़ा तक की है। बिल्कुल, उसका काम करना भी कठिन है जो करे, इसीलिए पंचायतें नहीं कर पाती हैं, इसलिए आरियस लिया। हाँ, काम नहीं हो रहा, हो गया पैसा वैसा मशीन से करवा रहे हैं जेसीबी से लोग। नहीं नहीं, काम हो रहा है, जो किया होगा उतना ही नहीं मिल रहा है उसको, ये दिक्कत है मनरेगा में। 172 रुपए कितनी मजदूरी है बताइए, कैसे काम हो। आप कब से है सिक्योरिटी साहब यहाँ? है, कब से सिक्योरिटी है आप यहाँ? यहाँ 2 साल से। अच्छा, 2 साल। ठीक है योगेंद्र जी। जी जी पांडे जी, प्रणाम। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।